नमस्कार, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। मैं शिल्पी। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। बैन ऑटो, बाइक व साइकिल से पानी का परिवहन। सूखा राहत के नाम पर रिश्वत मांग रहा पटवारी, लोकायुक्त टीम ने पकड़ा। पूर्व सरपंच जयपाल की हत्या का खुलासा। इंटेक बैल के लिए चंबल पुल से 1 किलोमीटर दूर स्थान चिन्हित। बैठक में एसपी ने दिखाए तेवर, आधा दर्जन थानेदारों को बदला। अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर में नर्सिंग होम एसोसिएशन ने शहर के निजी अस्पतालों में डॉक्टरों को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए नया तरीका निकाला है। यहां सुरक्षा के लिए शांति दूत के नाम पर बॉडी बिल्डर बाउंसर रखे गए हैं। इसके लिए बकायदा निजी सिक्योरिटी एजेंसी से अनुबंध किया गया है। हालांकि अनुबंध में सेवानिवृत्त सैनिकों का करार हुआ है, लेकिन जब भी किसी नर्सिंग होम या अस्पताल में हंगामा होता है तो बॉडी बिल्डर युवा बाउंसर खड़े नजर आते हैं। यह पहला अवसर है जब निजी अस्पतालों में बाउंसरों की सेवा ली गई है। ये बाउंसर मौके पर पहुंचकर डर पैदा कर देते हैं। ऐसा ही मामला गुरुवार को नया बाजार स्थित मुदंडा नर्सिंग होम में देखने को मिला था। यहां एक महिला मरीज के परिजनों ने गलतफहमी में हंगामा कर दिया तो बॉडी बिल्डर बाउंसर पहुंच गए। हंगामा कर रहे परिजनों को बाउंसरों ने जाकर घेर लिया था। शहर में 24 स्थान तय कर पीपीपी मॉडल पर तैयार 10 करोड़ रुपए के स्मार्ट पार्किंग प्रोजेक्ट को लेकर शुक्रवार को दिल्ली और भोपाल की कंपनियों ने प्रेजेंटेशन दिया। शहर में 24 स्थान पर तय कर पीपीपी मॉडल पर तैयार 10 करोड़ रुपए के स्मार्ट पार्किंग प्रोजेक्ट को लेकर शुक्रवार को दिल्ली और भोपाल की कंपनियों ने प्रेजेंटेशन दिया। इन कंपनियों में से किसी एक को अगले सप्ताह तक फाइनल किया जाएगा। चयनित कंपनी इसके लिए हर महीने 6 लाख रुपए स्मार्ट सिटी को देगी। प्रेजेंटेशन के दौरान कंपनियों के प्रतिनिधि निगम आयुक्त विनोद शर्मा और स्मार्ट सिटी सीईओ महिप तेजस्वी सहित अन्य मौजूद थे। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान 8 मई को फूलबाग मैदान में लगभग 1,794.51 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान 8 मई को फूलबाग मैदान में लगभग 1,794.91 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में लगभग 50,000 हितग्राहियों को आवास पट्टे भी प्रदान किए जाएंगे, जिसमें से 10,000 का सत्यापन अभी भी अटका हुआ है। सूत्र बताते हैं कि नगर निगम सीमा क्षेत्र में बहुत से हितग्राहियों को जो पट्टे दिए गए हैं उनकी जाँच कराने पर वे वन भूमि और पहाड़ी पर निकले हैं। जल्दबाजी में अधिकारियों द्वारा तैयार कराए गए भू अधिकार प्रमाण पत्र सवालों के घेरे में आ गए हैं। अब अधिकारी विवादास्पद प्रमाण पत्रों को लिस्ट से हटाकर नए सिरे से जांच में जुट गए हैं। अंत्योदय मेले की फाइनल तैयारी को लेकर शनिवार को ग्वालियर की बैठक होगी, जिसमें तय किया जाएगा कि आवास के लिए दिए गए भू अधिकार प्रमाण पत्रों की त्रुटियां या तो सही कर ली जाए या फिर इनको लिस्ट से हटाकर हितग्राहियों को बाद में लाभ दिया जाए। ग्वालियर माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के हॉस्टल नंबर 7 के मैस में शुक्रवार रात आग से भगदड़ मच गई। उस समय मैस के छात्रों के लिए रात का खाना बन रहा था। इस दौरान सिलेंडर की लेजम से गैस का रिसाव हुआ। ग्वालियर माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के हॉस्टल नंबर 7 के मैस में शुक्रवार रात आग से भगदड़ मच गई। इस समय मैस में छात्रों के लिए रात का खाना बन रहा था। इस दौरान सिलेंडर की लेजम से गैस का रिसाव हुआ, लेकिन कुकिंग स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया। इससे 2 सिलेंडरों में आग लग गई। कॉलेज स्टाफ ने दमकल बुलाने के लिए फोन किया। तब तक हॉस्टल के सिक्योरिटी स्टाफ ने मैस की खिड़कियों के कांच तोड़कर फायर एक्सटिंग्विशर से आग पर काबू पा लिया। एमआईटीएस कॉलेज के हॉस्टल नंबर 7 में करीब 279 छात्र रहते हैं। उनके लिए हॉस्टल के बेसमेंट में मैस है। रात 8:30 बजे डिनर दिया जाता है, इसलिए शाम करीब 7 बजे से मैस में खाने की तैयारियां चल रही थी। आधा खाना बन चुका था। इस दौरान सिलेंडर की लेजम में आग भड़क गई। कुकिंग स्टाफ ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन
रेगुलेटर सिलेंडर से उछटकर दूर गिर गया और सिलेंडर से लपटें उठने लगी। आग ने पास में रखे दूसरे सिलेंडर को भी चपेट में ले लिया। मैस में 12 सिलेंडर और रखे थे, उनमें भी आग भड़क सकती है। इस आशंका से कुकिंग स्टाफ खाना छोड़ भागा। उस वक्त छात्र भी हॉस्टल में थे। हॉस्टल का बिजली कनेक्शन काट कर उन्हें भी बाहर निकाला और फायर ब्रिगेड को जानकारी दी। ग्वालियर में दाल बाजार से किराने का सामान लेकर पति के साथ स्कूटी से लौट रही महिला की बाइक सवार लुटेरे ने चेन लूट ली। बदमाश ने जैसे ही झपट्टा मारा वैसे ही महिला ने चेन हाथ में पकड़ ली, जिससे आधी चेन उसके पास रह गई और आधी लुटेरा ले गया। ग्वालियर दाल बाजार से किराने का सामान लेकर पति के साथ स्कूटी से लौट रही महिला की बाइक सवार लुटेरे ने चेन लूट ली। बदमाश ने जैसे ही झपट्टा मारा वैसे ही महिला ने चेन हाथ में पकड़ ली, जिससे आधी चेन उनके पास ही रह गई, आधी लुटेरा ले गया। पुलिस के मुताबिक सरस्वती नगर निवासी गिरजा शंकर तिवारी की पत्नी शीला तिवारी के साथ शुक्रवार रात करीब 9 बजे सिटी सेंटर में रेडिसन होटल के पास लूट का प्रयास हुआ। गिरजा शंकर MPEB में लाइनमैन के पद से रिटायर्ड हैं। उन्होंने बताया, शाम को पत्नी के साथ दाल बाजार राशन लेने गए थे। खरीदारी करके अपनी स्कूटी से घर लौट रहे थे, तभी होटल के पास पीछे से आए काली बाइक सवार लुटेरे ने स्कूटी पर पीछे बैठी उनकी पत्नी शीला की गर्दन पर झपटा मार कर सोने की चेन तोड़ी। अचानक झटका लगने से वह और उनकी पत्नी स्कूटी से सड़क पर गिर पड़े। हालांकि लुटेरा चेन तोड़कर नहीं ले जा सका, लुटेरा काले कपड़े पहने हुआ था। ग्वालियर पुलिस ने एक युवक को शादीशुदा महिला को परेशान करने का आरोप पर गिरफ्तार किया है। पड़ोसन से एक तरफा इश्क कर बैठा युवक उसकी लव मैरिज से इस कदर भड़क गया कि उसे बदनाम करने पर उतर आया। उसने पड़ोसन की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उस पर आपत्तिजनक पोस्ट और फोटो अपलोड कर दिए। उसका प्लान था कि पड़ोसन का पति फेसबुक देखकर उससे नाता तोड़ लेगा, लेकिन उसकी यह चाल उस पर भारी पड़ गई। राज्य साइबर सेल निरीक्षक मिर्जा आसिफ बेग ने बताया कि भगवासा भिंड निवासी सुधीर श्रीवास का गांव में हेयर कटिंग सैलून है। वह पड़ोस में रहने वाली युवती से एक तरफा इश्क करता था। करीब 5 महीने पहले युवती ने किसी और से लव मैरिज कर ली। इससे वह भड़क गया। उसने युवती को बदनाम करने की साजिश रची। युवती के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसके रिश्तेदार और दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर सबको उससे कनेक्ट कर लिया। फिर उस आईडी पर पड़ोसन के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट और फोटो अपलोड किए। शुरू में पड़ोसन और उसके पति ने किसी शरारती की हरकत समझकर इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन सुधीर बाज नहीं आया तो राज्य साइबर सेल में शिकायत की। इन्वेस्टिगेशन में सुधीर की पहचान हुई तो शुक्रवार को SI अंकुर भदौरिया, हर नारायण शर्मा, पवन शर्मा को टीम भगवासा जाकर उसे उठा लिया। भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में मॉन्डलेज फैक्ट्री के बतौर ऑपरेटर सेवारत एक 35 वर्षीय कर्मचारी की ड्यूटी पर जाने के दौरान सीने में दर्द उठने के बाद मौत हो गई। मालनपुर भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर में मॉन्डलेज फैक्ट्री में बतौर ऑपरेटर सेवारत एक 35 वर्षीय कर्मचारी की ड्यूटी पर जाने के दौरान सीने में दर्द उठने के बाद मौत हो गई। घटना गुरुवार देर रात 11 बजे की है। शुक्रवार सुबह से ही कर्मचारियों और मृतक के परिजनों ने आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग लेकर फैक्ट्री परिसर में बैठ गए। थाना प्रभारी सुखदेव सिंह चौहान के अनुसार फैक्ट्री के ऑपरेटर विकास सूरा पुत्र रघुवीर सिंह दीनदयाल नगर ग्वालियर रोज की तरह गुरुवार शाम रात 10 बजे ड्यूटी पर जा रहे थे। फैक्ट्री में वे पिछले साल से ऑपरेटर के पद पर नौकरी कर रहे थे। बताया गया है कि टोल बैरियर के पास पहुंचने के पर उनके सीने में दर्द उठा। ऐसे में फैक्ट्री प्रबंधन को सूचना की गई। फैक्ट्री के वाहन में उन्हें JH ग्वालियर ले जाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल में विकास सूरा को मृत घोषित किए जाने के बाद उसके परिजनों ने शव को PM हाउस ले जाने के बजाय रात 12 बजे वहां से वापस मालनपुर ले गए, जहां शव फैक्ट्री परिसर में रख दिया। शुक्रवार सुबह 10 बजे अन्य कर्मचारी एकत्र हुए और मृत कर्मचारी के समर्थन में उसे आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपये और उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग करने लगे। भिंडी जिला कलेक्टर डॉक्टर एलैया राजा टी ने शुक्रवार को शहर के उपसंचालक पशुपालन विभाग के कैंपस में कुछ स्वयंसेवी युवाओं द्वारा चलाई जा रही गोकुलधाम गौशाला के चिकित्सा का निरीक्षण किया।
उन्होंने गौशाला को आईपीडी घोषित कराए जाने और यहां पशु चिकित्सक की स्थायी ड्यूटी लगाए जाने के निर्देश पशुपालन विभाग के अधिकारियों को दिए। उल्लेखनीय है कि गोकुल धाम गौशाला में सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाली और वृद्ध और बीमार गायों का मुफ्त इलाज किया जाता है। यहाँ के स्वयंसेवकों की टीम शहर के किसी भी हिस्से में ऐसी गाय की सूचना मिलने पर तत्काल पहुँचती है और पीड़ित गाय को गौशाला की एनिमल क्लिनिक में लेकर आती है, जहाँ उन्हें भर्ती रखकर नियमित इलाज देकर स्वस्थ बनाया जाता है। एक साल में गौशाला ने लगभग 100 से ज़्यादा बीमार और घायल गायों को स्वस्थ बनाया। गौशाला का संचालन उदार व्यक्तियों द्वारा किए गए दान की राशि से होता है। गौशाला में एक मेडिकल स्टोर और पशुओं के लिए 2 वार्ड भी जन सहयोग से बनाए जा रहे हैं। मुरैना शहर की कमिश्नर कॉलोनी के रहवासी पिछले 2 दिन से जल संकट से जूझ रहे हैं। इस कॉलोनी में चंबल कमिश्नर व कलेक्ट्रेट कार्यालय के कर्मचारी भी निवास करते हैं। संजय पार्क के वाटर पंप की बिजली सप्लाई प्रभावित होने से पंप नहीं चला पा रहे हैं, इसके चलते लोग पानी के लिए परेशान हैं। मेला ग्राउंड के वाटर पंप और विधायक आवास से वैन, ऑटो, बाइक, साइकिल से पानी का परिवहन कर रहे हैं। दोपहर में कुछ लोगों ने फायर ब्रिगेड से पानी भरा और टैंकर भी आया था। इस गर्मी के सीजन में सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनी में त्राही त्राही मच गई है। बताते हैं कि बुधवार की शाम आई तेज आंधी के चलते संजय पार्क के पंप के लिए रखे ट्रांसफार्मर में कोई खराबी आ गई, उसके चलते बिजली सप्लाई प्रभावित हो गई है। पंप अटेंडर ने बिजली कंपनी को शिकायत भी की है। वहीं रहवासियों ने नगर निगम अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो सकी। तब रहवासियों ने ही अपने स्तर पर पानी की व्यवस्था तलाश की। कुछ लोग के इस कोठी के पास मेला ग्राउंड के वाटर पंप से वैन, गाड़ी, बाइक, साइकिल से और कुछ लोग सुमावली विधायक सत्यपाल सिंह के सरकारी बंगले के बोर से ऑटो और सिर पर बर्तन रख कर पानी का परिवहन कर रहे हैं। इस कॉलोनी में अधिकारी भी रहते हैं, लेकिन उनके बंगलों में पहले से बोर है, इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं हुई। कुछ अधिकारी हैं जिन्हें यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, वह सुबह से नगर निगम के अधिकारियों को फ़ोन कर रहे थे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। दोपहर में फायर ब्रिगेड और टैंकर से बस्ती में पानी की सप्लाई की गई। नगर निगम ने मेला ग्राउंड के वाटर पंप से कमिश्नर कॉलोनी की पाइपलाइन अलग अलग कर दी और कॉलोनी के पार्क में नया बोर हुआ है। इससे पाइपलाइन का कॉलोनी के सरकारी आवासों की लाइन से कनेक्शन हो जाता तो आज जल संकट का सामना नहीं करना पड़ता। नए बोर से पाइपलाइन जोड़ने के लिए रहवासी क्षेत्रीय पार्षद से भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्राइम ब्रांच टीम के जरिए मुखबिर की सूचना पर से आमपुरा में गुड्डू के मकान के अंदर आईपीएल मैच का सट्टा खेल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच टीम ने जरिए मुखबिर के सूचना पर से आमपुरा में गुड्डू के मकान के अंदर आईपीएल मैच पर सट्टा खेल रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में अनिल पुत्र रामस्वरूप गुर्जर, मुकेश पुत्र किलेदार गुर्जर, गोपाल पुत्र कप्तान गुर्जर निवासी आमपुरा शामिल हैं। आरोपियों द्वारा शुक्रवार को गुड्डू के मकान के अंदर वाले कमरे में टीवी पर आईपीएल मैच चेन्नई और कलकत्ता के बीच चल रहे मैच पर सट्टा लगाया जा रहा था। पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा और पूछताछ की, तब उन्होंने अपने नाम बताए। आरोपियों के कब्जे से सट्टा सामग्री 6 मोबाइल, 1 कॉपी जिसमें 2,50,000 रुपए का हिसाब किताब है, जो चेन्नई और कोलकाता के बीच हो रहे मैच पर लगाया जा रहा था। मौके से टीवी और सेटअप बॉक्स को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ प्रकरण कायम किया गया है और पुलिस के द्वारा उनसे संबंधित लोगों के विषय में पूछताछ और पड़ताल की जा रही है। दतिया में शुक्रवार को रिश्वत लेते एक पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा गया। पटवारी ने किसान से 100 रुपए बीघा के हिसाब से राहत राशि स्वीकृत करने 1,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। किसान द्वारा लोकायुक्त को शिकायत की जाने पर पटवारी को उसके हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित आवास से पकड़ा। इंदरगंज तहसील के ग्राम उच्चिया मौजा में रूप सिंह पुत्र बादाम सिंह कमरिया की जमीन है। शासन द्वारा कराए गए सूखा राहत सर्वे में रूप सिंह का नुकसान होना पाया गया। इस आधार पर उसे सूखा राहत राशि मिलना है। 1.5 माह पहले रूप सिंह ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रोजगार कार्यालय के पास रहने वाले राघवेंद्र शर्मा से संपर्क किया। पटवारी ने उसे जमीन के कागज देने के लिए कहा। किसान की जमीन ऊंचिया मौजे के हल्का नंबर 46 में है। पटवारी को पैसे के देने के बाद जब
15 से 20 दिन तक किसान के खाते में सूखा राहत का पैसा नहीं आया तो उसने दोबारा पटवारी से संपर्क किया। पटवारी ने बताया कि जमीन के कागज खो गए हैं, इसलिए दोबारा भेज दो। 1 मई को रूप सिंह ने अपने भाई राजू से दोबारा कागज भेजे तो पटवारी ने पैसे की मांग की। पैसे मांगने पर राजू ने रूप सिंह से बात की तो उसने पटवारी से फ़ोन पर कह दिया 1000 रुपये लेंगे। इसकी शिकायत रूप सिंह ने लोकायुक्त में दर्ज कराई और बातचीत को रिकॉर्ड किया। शुक्रवार को पैसा देना तय हुआ। शाम को किसान ने जैसे ही पटवारी को उसके घर पर रिश्वत के 1000 रुपये दिए, लोकायुक्त से उसे दबोच लिया। पटवारी को पकड़ने वाली टीम में लोकायुक्त DSP प्रद्युमन पारासर, TI रानी लता, TI PK चतुर्वेदी, SI सुरेश कुशवाहा, कांस्टेबल अंकेश शर्मा, हेमंत शर्मा, अमर सिंह शामिल थे। दतिया शहर के बहुचर्चित एवं लराइटा के पूर्व सरपंच जयपाल यादव हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। वारदात में शामिल एक युवक के हिरासत में आने के बाद मामले का पर्दाफाश हुआ। दतिया हत्या की यह वारदात विगत 21 अप्रैल की रात हुई थी। हत्याकांड में 6 लोग शामिल थे, जिनमें से पुलिस ने मुकेश पुत्र रामेश्वर शर्मा निवासी सांकनी थाना बतरवार को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी अज्ञात है। इसके अलावा हत्याकांड में शामिल आरोपी दिनेश गिरी, वीर सिंह गुर्जर उर्फ बट्टा पुत्र राम अख्तियार गुर्जर निवासी खोदूपुर थाना बिजौली जिला ग्वालियर, सुशील पांडे पुत्र गोविंदी निवासी लदेरी थाना पिछोर ग्वालियर एवं राजेंद्र पुत्र रामेश्वर गोस्वामी निवासी हमीरपुर उनाव रोड दतिया फरार हैं। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया है। हत्याकांड के खुलासे और आरोपी के गिरफ्तारी के संबंध में शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बताया कि वारदात की पूरी प्लानिंग दिनेश गिरी के रावतपुरा कॉलेज के पास स्थित ऑफिस में की गई। प्लानिंग के तहत गिरफ्तार आरोपी मुकेश शर्मा को राजेंद्र गोस्वामी की मोटरसाइकिल से उपराय भेजा गया, जहां एक डस्टर गाड़ी से दिनेश गिरी और एक अन्य आदमी को वीर सिंह गुर्जर ने छोड़ा। वीर सिंह गाड़ी को लेकर आसपास ही था और दिनेश गिरी और एक अन्य आदमी पिस्टल लेकर मुकेश के साथ बैठ गए। करीब 7:30 बजे उपराय से सोनागिर तिराहे पर आए और वहीं से जयपाल का पीछा किया गया। जैसे ही वह बडौनी तिराहा के पास पहुंचा, उस समय मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे आदमी ने 32 बोर की पिस्टल से और दिनेश गिरी ने 9 mm की पिस्टल से जयपाल में गोली मारी। चंबल वाटर प्रोजेक्ट के लिए नगर पालिका और घड़ियाल अभ्यारण प्रबंधन की टीम ने शुक्रवार को चंबल नदी पर जाकर नवीन स्थल देखा और पुल से नीचे की ओर 1 किलोमीटर दूर का स्थान चिन्हित किया। यदि सब कुछ ठीक रहा तो अब चंबल में पाली पुल से लगभग 1 किलोमीटर दूर इंटेक बेल बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर के लिए प्रस्तावित चंबल वाटर प्रोजेक्ट के लिए नगर पालिका और घड़ियाल अभ्यारण प्रबंधन की टीम ने शुक्रवार को चंबल नदी पर जाकर नवीन स्थल देखा और पुल से नीचे की ओर 1 किलोमीटर दूर का स्थान चिन्हित किया। दोनों विभागों ने इस दौरान लगभग 2 से 2.5 घंटे तक मंथन किया, तब कहीं जाकर सहमति बनी। उल्लेखनीय है कि शहर में चंबल से पानी लाने के प्रोजेक्ट में पहले पाली पुल के बगल में पानी उठाने और इंटेक बेल आदि बनाने का प्रस्ताव था और इसके लिए DPR बनने के बाद कुछ माह पूर्व नगर पालिका ने DFO घड़ियाल से अनुमति के लिए आवेदन किया, लेकिन घड़ियाल प्रबंधन ने जलीय जीवों की सुरक्षा के मद्देनजर इस स्थल की अनुमति देने से इनकार कर दिया। यही वजह है कि नगर पालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता ने भोपाल में PCCF और मुरैना में DFO से मुलाकात की और पुनर्विचार की मांग की। यही वजह है कि अब नया स्थल तलाशा जा रहा है। इसी के लिए शुक्रवार को नगर पालिका अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता, घड़ियाल अभ्यारण्य STO श्योपुर, SP शाख के प्रभारी CMO अरुण गुप्ता, सब इंजीनियर विकास कुमार आदि की टीम चंबल पर पहुंची और स्थल जायजा लिया। यहां अफसरों ने पहले पुल के ऊपर से फिर बोट में बैठकर स्थल निरीक्षण किया और पुल से 1 किलोमीटर नीचे की ओर का स्थल उपयुक्त पाया गया, जहां पानी की मात्रा और बहाव पर्याप्त है। श्योपुर पुलिस कप्तान डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने शुक्रवार को क्राइम मीटिंग में तीखे तेवर दिखाते हुए काम नहीं करने वाले 2 थानेदार और 1 चौकी प्रभारी को हटाकर लाइन हाजिर कर लिया है। वहीं 3 थाना प्रभारियों की थाना बदली कर दी। साथ ही 2 टूक शब्दों में यह हिदायत दी कि अब जो अच्छा काम करेंगे वही थानों में रह पाएंगे। पुलिस कंट्रोल रूम में 7 घंटे चली क्राइम मीटिंग में पुलिस कप्तान डॉक्टर सिंह ने थाने
वार प्रत्येक अपराध की समीक्षा की और पेंडिंग अपराधों के निकाल करने के निर्देश देते हुए वारंट तामिली माइनर एक्ट सहित अन्य पुलिस कार्रवाई को बढ़ाने के निर्देश दिए। काम में लापरवाही की शिकायत मिलने पर SP डॉक्टर सिंह ने बैठक के दौरान ही सेसईपुरा थाना प्रभारी आशा मौर्य, वर्गवा थाना प्रभारी नरेंद्र राजपूत और सामरसा चौकी प्रभारी विकास तोमर को थानों से हटाकर लाइन हाजिर कर दिया। वहीं मगरदा थाना प्रभारी रतिराम गुर्जर को मगरदा से हटाकर बरगवा करहाल थाने में पदस्थ SI DS बिसारिया को सेसईपुरा और बरगवा थाने में पदस्थ ASI सोबरन सिंह को मगरदा थाना प्रभारी बना दिया। साथ ही कुछ थाना प्रभारियों को फटकार लगाते हुए काम में सुधार करने की हिदायत दी। अपने प्रेमी के साथ 15 दिन पहले भागी लड़की घर वापस आ गई है और प्रेमी के साथ रहने की जिद कर रही है। मामले में बदरवास पुलिस जांच कर रही है। नगर की हनुमान कॉलोनी में रहने वाली एक बालिक युवती अपने प्रेमी के साथ 15 दिन पूर्व घर से लापता हो। कुशवा समाज की इस युवती के पिता का देहांत हो गया और वो अपने मामा के घर रहती थी। मामा की रिपोर्ट पर बदरवास पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली थी। गुरुवार को युवती और उसका प्रेमी वापस आए और लड़की ने SDM न्यायालय में बयान दिया कि मैं अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ। आधा सैकड़ा परिजनों और समाज बंधुओं ने लड़की को समझाया पर जब वो नहीं मानी तो लड़की की माँ को सुपुत्रगी में देखकर उसे भी बेटी के प्रेमी के घर भेज दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम मुडेरी निवासी प्रेम सिंह भील अपनी प्रेमिका को साथ लेकर बदरवास से बाहर भाग गया था। लड़की की गुमशुदगी दर्ज होने के बाद जब प्रेम सिंह के परिजनों पर दबाव पड़ा तो शुक्रवार की शाम प्रेम सिंह और उसकी प्रेमिका बदरवास आ गए। चूंकि लड़की बालिग है इसलिए उसने SDM कोलरस के न्यायालय में बयान दिए कि मैं अपने प्रेमी के साथ उसके घर रहना चाहती हूं। चूंकि SDM न्यायालय का आदेश था कि युवती को उसके प्रेमी के साथ भेजा जाए तो पुलिस ने भी व्यवधान नहीं डाला, लेकिन जब युवक युवती थाने से बाहर निकले तो लड़की के परिजनों सहित आधा सैकड़ा लोग थाने के बाहर इकट्ठे हो गए। इतनी भीड़ देखकर प्रेम सिंह मौके से भाग गया तो लड़की को उसके परिजनों ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन आखिर तक लड़की जब नहीं मानी तो पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए लड़की के परिजनों को समझाइश दी। इसके बाद मौके से भागे प्रेम सिंह को वापस बुलवाया। प्रेम सिंह की प्रेमिका को उसकी माँ के सुपुर्द करते हुए माँ को भी पुलिस की सुरक्षा में युवती के प्रेमी के घर भेज दिया। शिवपुरी में इन दिनों पुलिस जिले में चौतरफा किसानों को पीड़ा सुनाई दे रही है क्योंकि गेहूं खरीदी के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार ने अन्नदाता को परेशान कर दिया है। इन दिनों शिवपुरी जिले में चौतरफा किसानों की पीड़ा सुनाई दे रही है क्योंकि गेहूं खरीदी के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार ने अन्नदाता को परेशान कर दिया। यह खेल उस समय भी उजागर हो गया जब करेरा खरीदी केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री के सामने ही पूर्व जनपद अध्यक्ष ने खरीदी केंद्र के सचिव के सामने ही व्यापारियों का गेहूं खरीदने का आरोप लगाते हुए यह भी बताया था कि पिछले साल का मामला 5 लाख रुपए में एडजस्ट किया गया, यानी जब तक शिकायत को मैनेज करने के लिए एक खरीदी केंद्र का सचिव 5 लाख रुपए की राशि खर्च कर सकता है तो फिर खरीदी के नाम पर करोड़ों का गड़बड़ झाला तो हुआ ही होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिवपुरी जिला सूखाग्रस्त घोषित होने के साथ ही गेहूँ का रकबा भी 40% कम हो गया। बावजूद इसके खरीदी केंद्रों पर गेहूं की आवक कम होने का नाम ही नहीं ले रही। केंद्रों पर हो रही गेहूं की आवक को देखकर नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधन भी असमंजस में हैं। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।